आपको लैट पुल डाउन पता ही लगेगा कि आप कितना वेट मार रहे हो। किसी भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, छोटा मसल है और हल्के वेट से कम हो जाता है। मतलब एक कॉम्पिटिशन की बात हो जाती है, अब ये आपको खुद से कॉम्पिटिशन करना होगा। ये स्क्वीज करना, जब भी ऊपर आओगे ना एकदम स्क्वीज करना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया। एंड आज है संडे और मैं जा रहा हूँ जिम। आज मैं करूँगा बैक और बाइसेप, और मुझे आज डेडलिफ्ट करनी है। एंड मैंने अपना प्री वर्कआउट भी रेडी कर लिया गर्म पानी में। अपने शॉर्ट वीडियोस में इसकी मेकिंग भी बताई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। और उससे पहले बियर्ड तो बहुत ज़्यादा लग रही है यार, उससे पहले कटवा लेते हैं थोड़ी सी। मैं घर पे ही ट्रिम करता हूँ जल्दी से, और उसके बाद जिम में मिलते हैं। फाइनली मेरा वार्म अप और स्ट्रेचिंग वगैरह हो गया, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट डेडलिफ्ट से। तो कंप्लीट हो गया मेरी डेडलिफ्ट भी। लास्ट मैंने करी है 110 की, और 110 से मेरे निकले हैं 2 रैप। मुझे पता है बहुत कम है, बट मुझे अब इम्प्रूव करनी है। तो आज की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वर्टिकल पुल, लैट पुल डाउन। क्लोज ग्रिप से लूँगा मैं। हमारे बैक में सिर्फ 2 पार्ट होते हैं ट्रेन करने के लिए, एक वर्टिकल पुल एंड एक हॉरिजॉन्टल पुल। तो मैं लगा रहा हूँ इसको 70 पे, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में देखा है, मैं अपने फ़ोन के नोट्स में अपना हर वर्कआउट ट्रैक करता हूँ, हर एक वर्कआउट, हर एक सेट की कितना मैंने इस एक्सरसाइज पे
पहले मारा था। इस एक्सरसाइज पे पहले मैंने 70 के 4 सेट लगाए थे और चारों में मेरे 8 रैप आए थे। तो अगर अब फिर से मेरे 8 रैप आए तो मैं आगे बढ़ाऊँगा इसको। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है। हर टाइम आपको सेम वेट से नहीं मारना, आपको ट्रैक करके उसके हिसाब से अपने वेट बढ़ाना है और आपको भी अपना ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे आपको कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आपको खुद मतलब एक कंपटीशन की बात हो जाती है कि मैंने पहले इतना वेट मारा था और मेरे को अब इससे ज़्यादा मारना है वेट। अब ये आपको खुद से कंपटीशन करना होगा कि मेरे को इस टाइम पहले जितना मारा था उससे ज़्यादा मारना है मेरे को वेट। और आपको पता लग जाएगा आपको कितना वेट मारना है। आपको किसी भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आपको सिर्फ पहले वाला रिकॉर्ड देखना है एंड आपको पता लग जाएगा कि कितना वेट आगे बढ़ाना है। तो नोट करो एंड ट्रैक करो अपने सारे वर्कआउट रूटीन। एंड कभी आपने ये नोट किया है जब भी आप डेडलिफ्ट कर रहे हो हैवी और उसके बाद लैट पुल डाउन कर रहे हो, आपको लैट पुल डाउन पता ही नहीं लगेगा कि आप कितना वेट मार रहे हो। आप हैवी जा सकते हो इस पर और आपको फील भी नहीं होगा लैट पुल डाउन में जब आप डेडलिफ्ट पहले करोगे। कमेंट करके बताओ मेरे को कि किस किस को ऐसा फील होता है। आप कभी भी एक ही एक्सरसाइज पर स्टिक मत रहा करो, अपने एक्सरसाइज में वेरिएशन लाया करो, अलग अलग एक्सरसाइज ट्राई किया करो। हमारी 4 एक्सरसाइज हो गई हैं, 4 हो गई ना, हाँ 4 हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे बाइसेप। बाइसेप में हम सिर्फ लेंगे पिचर गर्ल्स एंड हैमर गर्ल्स। तो इसमें हम लेंगे 4 सेट और ये छोटा मसल है तो आपको ज़्यादा हैवी लेके आना नहीं है। डंबल मैंने लिया है 10 का, इससे हैवी मैं करूँगा नहीं क्योंकि छोटा मसल है और हल्के वेट से कम हो जाता है, इससे ही करेंगे हम, ठीक है। वैल्यूएशन का काम कैसे करनी है, ये एकदम ये चीज़ है बैक ट्राइसेप, उसको अंदर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे करके एंड देन ऊपर आके स्क्वीज, इतना स्क्वीज, उसके बाद डाउन और स्क्वीज, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा हैमर कर्ल कंसंट्रेशन वाले, इसके करूँगा 3 सेट 8 रैप के। कंसंट्रेशन का ये वाला होता है बट मैं हैमर वाला ले रहा हूँ, ये लेना है। जब आप एकदम पूरा नीचे लेके जाना है इसको और उसके बाद एकदम ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करके ये स्क्वीज करना है। जब भी ऊपर आओगे ना एकदम स्क्वीज करना है, ये एकदम स्क्वीज, स्क्वीज।
जब भी आप ये करोगे ना, आपको स्विंग नहीं करना अपना हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम कंसंट्रेट करके ऊपर लेके आना ऐसे और नीचे, कंसंट्रेट करके ऊपर एंड नीचे, आपको हिलाना नहीं ऐसे बॉडी, आपके जॉइंट्स में आएगी वो, आपको फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा उसका। तो गाइस हो गई है मेरी बैक की एंड बाइसेप, घर चलते हैं जल्दी से, भूख लग रही है बहुत तेज, खाना खाएंगे। सो फाइनली मेरा, मैंने अपना खाना बना लिया यार, मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ। 12 अंडे के आमलेट एंड 2 रोटी एंड 12 अंडे के आमलेट, रोटी एंड आलू मटर की सब्जी।